आप सबका स्वागत है इस लेह टू दिल्ली के एक्सक्लूसिव बस जर्नी में, जहां पर ये हमारा इस पूरे सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है। और अभी तक हम लोगों ने टोटल 20 एपिसोड्स निकाले हैं और ये है 21st द मोस्ट एक्सक्लूसिव एपिसोड। तो गाइस, इस पूरे के पूरे आप एपिसोड में देखेंगे कि कितने सारे सीनिक व्यूज आते हैं जब आप HRTC से ट्रैवल करते हैं। और ये जो पूरी रोड जर्नी है, ये फुल ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के साथ भरी हुई है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे पहाड़ भी दिखेंगे, पानी भी दिखेंगे, डेजर्ट भी दिखेगा, स्नो भी दिखेगा, ग्लेशियर्स भी दिखेंगे, आपको सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पासेस भी दिखेंगे और साथ में आपको दिखेंगे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। तो गाइस, अभी हम लोग चल रहे हैं थांगला पास की तरफ। एंड गाइस, अगर आपको हमारे पूरी सीरीज़ का फीडबैक देना है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी पूरी लेह लद्दाख की सीरीज़ कैसे लगी। साथ ही गाइस, हम इस पूरी बस जर्नी को इसलिए शूट कर रहे हैं ताकि आपको एक समराइज व्लॉग मिल जाए कि कैसे आप लेह से दिल्ली थ्रू HRTC भी ट्रैवल कर सकते हैं। और आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में मिलने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट जो स्टॉप आता है वो आता है थांगलांगला पास। और ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये है थांगलांगला पास का। तो ये मॉर्निंग का ही ये व्यू है और चलिए अब हम इसको एंजॉय करते हैं और पास से। दिस इज दी थांगला पास और ये 17,582 फीट पे है। और मैं जब ले से निकली थी तो सिर्फ ये अपनी जैकेट पहन के निकली थी, बट इट सीरियसली वेरी कोल्ड है। और लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे, लाइक वाइल कमिंग टूवर्ड्स दी लेह, तब यहाँ पर हम इतनी अच्छे शूट नहीं कर पाए, बट नाउ वी गट द टाइम। तो थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको यहाँ का थांगला मंदिर और यहाँ पे जो बोर्ड है ये भी दिखाते हैं। तो गाइस, ये है थांगला का मंदिर और ये 17,582 फीट पे बना हुआ है एंड इट्स वेरी अमेजिंग। तो गाइस, जो आप ये देख रहे हैं, ये है थांगला पास एंड इट्स वेरी अमेजिंग। और अभी मेरे लिटरली मेरे हाथ कांप रहे हैं क्योंकि काफ़ी हाइट पे है और यहाँ पे गाड़ी रुकी है सिर्फ 5 to 7 मिनट्स के लिए, वो रही हमारी गाड़ी। एंड इसके बाद फिर ये है यहाँ का थांगला मंदिर। ओह, दिस इज द बोर्ड जिसके आगे मैंने अभी भी पिक्चर्स खिंचवाई थी। और ठंड जबरदस्त। तो दोस्तों, अगर इस बस टाइमिंग की बात करी जाए तो रिटर्न में आपको लेह से दिल्ली के लिए मिलेगी बस सुबह सुबह 4 बजे फ्रॉम लेह बस स्टैंड। तो गाइस, इट्स रिकमेंडेड कि आप अपनी बस टिकट्स एक दिन पहले शाम में ही आके करवा लीजिए या फिर आप अर्ली मॉर्निंग भी जाके ये बस टिकट ऑफलाइन बेसिस पे खरीद सकते हैं, जिसका कॉस्ट आता है ₹590 पर पर्सन ओनली। तो दोस्तों, जब ये बस सुबह 4 बजे चलती है तो ये आपको 5 से 6 बजे शाम में केलोंग पहुंचा देगी। फिर केलोंग से आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप वहां से केलोंग टू दिल्ली की बस पकड़ सकते हैं फ्रॉम केलोंग बस टर्मिनल इटसेल्फ, जिसका कॉस्ट होता है समवेयर अराउंड 1100 to 1200 रुपीज़। ये केलोंग से दिल्ली की जो बस चलती है वो डायरेक्टली चलती है और यही इस रिटर्न रूट का बेनिफिट है कि आपको यहाँ पर केलोंग में स्टे नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप केलोंग में उतरेगी वैसे ही आपको दिल्ली के लिए इजीली बस मिल जाएगी। तो दोस्तों, जब ये केलोंग से बस चलती है तो ये आपको दिल्ली नेक्स्ट डे सुबह सुबह 6 से 7 बजे के बीच में पहुँचा देगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 तारीख को सुबह सुबह 4 बजे लेह से HRTC से निकले हैं तो आप आराम से 2 तारीख को 7 से 8 बजे के बीच में दिल्ली पहुंच जाएंगे विद जस्ट अ कॉस्ट ऑफ 1600 to 1700 रुपीज ओनली। तो यहाँ पर अगर आप लगेज भी अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो उसको रखने के लिए भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे जैसे आप बस में देख रहे हैं, ओवरहेड कैरेज भी है, बैक साइड डिक्की भी है और साथ में अंडर सीट भी काफ़ी स्पेशियस है, तो आप अपना लगेज आराम से रख सकते हैं।
और अगर हॉल्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे दो मेजर हॉल्ट आते हैं, पांग और भरतपुर फॉर लंच एंड ब्रेकफास्ट, और स्मॉलर हॉल्ट में आते हैं आपके थांगलांगला, सरचू और बारालाचा। तो आप उन हॉल्ट्स पे उतर के फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। तो जब आप दिल्ली टू लेह आते हैं तो आप धीरे धीरे करके ऑल्टीट्यूड अपना रेस कर रहे होते हैं, और उस वजह से आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें आपको हेडेक, नौजिया, वॉमिटिंग भी फील हो सकता है। तो आप अपने साथ या तो डाइमोक्सी टैबलेट रखें, या ऑक्सीजन सिलेंडर रखिए, या फिर कैम्फर रखिए, और रेगुलरली आप पानी इनटेक करते रहिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। वहीं पे गाइस, जब आप ले टू दिल्ली की तरफ ट्रैवल करेंगे तो आप धीरे धीरे करके अपना ऑल्टीट्यूड डिसेंड करेंगे, और इसी वजह से आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप चाहे तो डाइमोक्सी, कैम्फर और ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ एज इन स्पेयर में रख सकते हैं फॉर अ सेफर साइड, लेकिन आप रेगुलरली वाटर इनटेक करते रहिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी बिल्कुल भी ना आए। तो गाइस, अभी हम सरचू पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे डेजर्ट है और पूरे सैंडस्टॉर्म है, और हमारे ड्राइवर भैया भी प्रॉपरली अपना नोज और ईयर्स को बंद करके चला रहे हैं गाड़ी हमारी। और साथ में गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे करके धीरे धीरे ये सारे के सारे व्हीकल्स निकल रहे हैं, और इतने ज़्यादा धूल भरी जगह में से निकालना भी अपने में इज़ अ टास्क। एंड इवन गाइस, फॉर बाइकर्स ये और रिस्की हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर बाइक्स बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। आप देख सकते हैं हमारे आगे जो बाइकर्स थे, उनके लिए ये काफ़ी टफ सिचुएशन थी, एंड साथ ही हमारे ड्राइवर्स ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस पूरे स्ट्रेच को कवर करा, और हम लोग ने फाइनली सरचू क्रॉस करा। पूरा HRTC का जो रूट है ले टू डायरेक्टली केलोंग, तो आप इंजॉय कर रहे होंगे, बट हम लोग उनसे बात करते हैं, उन दो लोगों से बात करते हैं जो एक्चुअली में इस रूट को बहुत अमेजिंग बना देते हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं HRTC के ड्राइवर्स, जो लेह से लेके केलोंग तक की और इवन दिल्ली तक की ये पूरा रूट को, कनेक्टिविटी को अच्छे तरीके से ये लोग हैंडल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों से मिलती हूँ, और ये है हमारे ड्राइवर ज्योति भैया, और ये है हमारे कंडक्टर ऋषि भैया। तो ज्योति भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है एज एन ड्राइवर? एक्सपीरियंस तो लगभग 10-11 साल का है, पर सिलेक्शन मेरा हाल ही में अप्रैल मंथ में हुआ है। अच्छा अच्छा, और भैया आप HRTC के कितने साल काम? 3 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। 3 साल हो गए, और अभी आप परमानेंट या फिर? बस अभी रेगुलर होने वाले हैं। अच्छा, 2-3 महीने में। ठीक है, तो गाइस अब हम ऋषि भैया से पूछते हैं कि इस पूरे रूट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ही एडवेंचर रूट है, दिल्ली से लेके लेह तक, बाकी बीच बीच में प्रॉब्लम भी आती है, घूमने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह है इसमें, एडवेंचर्स बहुत ज्यादा है, बाकी कभी बस कोई दिक्कत आ जाए बीच में तो कठिन भी बहुत है, समस्या बहुत ज्यादा जाती है, पर इसको फिर भी बहुत अच्छा रूट है। अच्छा, और ज्योति भैया आप जैसे कि जो लोग होते हैं मोस्टली लोग ले बाइक से आते हैं, तो कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे उनको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए? संभलने के लिए जैसे अपना सरचू से लेके पांग तक, ये इसमें कंस्ट्रक्शन का काम है ना रोड का, तो उसमें ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, कहीं पे जैसे धूल ज्यादा है और पत्थर वगैरह है उस वजह से। अच्छा, और कोई इसके अलावा जैसे पास हमने करा बारालाचा था, थांगला था, तो ये कैसा रूट है? नहीं, फिलहाल ठीक है, पर ये है भी थोड़ा आराम से चले और क्या है, बाकी भरपूर फोटो वहाँ से ध्यान से निकले क्योंकि वहाँ पे स्किट वगैरह हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ज्योति भैया, यहाँ पे आपका एज एन HRTC के ड्राइवर्स के सिलेक्शन होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, मैंने ऋषि भी ऐसे भी सुना है, तो कैसे कैसे सिलेक्शन होते हैं? इसके लिए पहले जैसे अपना जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ, तो वहाँ पे एक ट्रैक होगा हमारा, ट्रैक बना होता है, वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा जो हेड ऑफिस है HRTC का शिमला में, फिर फाइनल टेस्ट वहाँ होता है। अच्छा ठीक है, टेस्ट निकालने के बाद भी सिलेक्शन होती है नहीं होती है, जैसे हमारी 6-6 साल लगे सिलेक्शन होने में, तब जाके अब हुआ। तो गाइस दैट मींस कि यहाँ पे HRTC के ड्राइवर्स और जितने भी लोग यहाँ पे काम करते थे वेरी प्रोफेशनल, तो आपको कोई डरने की बात नहीं, यू आर इन द सेफ हैंड्स। सो मैंने एक और चीज़ नोटिस करी ज्योति भैया कि आप जो सीट पे बैठे थे इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, मतलब ऐसा लग रहा था कि उठा के कहीं पर सिंगल करिए, हमारी जो सीट्स की तरह नहीं थी, क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है ना, ज़्यादा आरामदायक होगी तो नींद लगेगी या कुछ होगा, उससे ऐसा है भी ऐसी जो
जो भी है ठीक है। अच्छा तो एटलीस्ट इंसान जगह रहे और कम से कम उनका रूट भी सेफ रहे। वाह दैट्स ग्रेट। और ऋषि भैया ये जो पूरा रूट है इसका फेयर डिटेल क्या है? 1800 से 1900 के बीच में दिल्ली से ले रखा था। अच्छा। बाकी किलोंग से ले का 590 के करीब है। अच्छा। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है टार दोनों फंस चुकी है यहाँ और ये पूरा ग्लेशियर का पानी है और इसमें बहुत ठंडा पानी है। वेल डन। कैसा हाल लगा भाई? मैं पैर सुने। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज्यादा पानी है एंड ये सारी की सारी कार्स फंस रखी है और ये अब हमारे पास के वो एक बंदा रह गया था, हम उनको बचाने के लिए जा रहे हैं। आशीष अभी आपने सुना HRTC के बस स्टाफ से इस पूरे बस जर्नी का एक्सपीरियंस और साथ में आपने देखा कि कितने एक्सट्रीम और एडवेंचरस जगह से HRTC होके निकलते हैं। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं बारालाचा की तरफ और बारालाचा की भी एक बहुत फेमस हॉन्टेड स्टोरी है जो कि हमें यहाँ आके पता चला। यहाँ पे दोस्तों क्योंकि एक्सट्रीम वेदर के लिए जाना जाता है ये पास और ये 6 महीने के लिए विंटर्स में पूरा का पूरा कट जाता है। पहले के टाइम में यहाँ पर एक आर्मी का एक छोटा सा बेस कैंप हुआ करता था जहाँ पर 3 जवान पोस्टेड थे अपने 6 महीने का राशन पानी लेके। जब 6 महीने बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई तो तब उनका पूरा कनेक्टिविटी अपने बेस कैंप से टूट गया। 6 महीने के बाद जब थोड़ी गर्मियाँ आई तब पेट्रोलिंग वाले इस बेस कैंप तक पहुँचे और उन्होंने अपने जीवन का सबसे खौफनाक दृश्य देखा। उन्होंने देखा एक आदमखोर चाकू लेके उन 3 सैनिकों का मांस खा रहा है और जैसे उस आदमखोर ने उन पेट्रोलिंग पार्टी वालों को देखा वो चाकू लेके उनकी तरफ मारने के लिए भागा पर पेट्रोलिंग वालों ने उसी समय गोली मार के उसको मौत के घाट उतार दिया। आसपास के गांव में पूछने पर पता चला कि वो आदमखोर किसी गांव का था ही नहीं और इसके बाद वहाँ पर अनहोनी घटनाएं शुरू होगी। जो भी वहाँ पर सैनिकों की पोस्टिंग उस बारालाचा बेस कैंप पे होती उनको रात में चिल्लाने चीखने की आवाज़ आती थी। ऐसे लगता था कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को काटे जा रहा है। साथ में कई बार उन्होंने उस आदमखोर की आत्मा को भी देखा और ये भी देखा कि जैसे कि कोई इंसान चाकू लेके उन सैनिकों के पीछे भाग रहा है। इन सबसे डर के वहाँ पर पोस्टेड आर्मी वालों ने अपने हायर अथॉरिटी को ये कंप्लेन करा और बार बार कंप्लेन आने पे हायर अथॉरिटी ने बारालाचा का बेस कैंप भी हटा दिया क्योंकि दोस्तों बारालाचा हिमाचल और लेह के काफ़ी इंटीरियर में पड़ता है और ये कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता तो इस वजह से यहाँ पे बेस कैंप हटाना भी सेफ था। इसके बाद दोस्तों उन सैनिकों को याद करते हुए एक छोटा सा श्रद्धांजलि स्थल भी बनाया। लेकिन गाइस आज भी वहाँ पर ऐसी अनहोनी घटनाएँ होती रहती है। साथ में दोस्तों आज भी वो बारालाचा का बेस कैंप मौजूद है जो कि अब खंडर बन चुका है।
और आज भी वहाँ पर इंसानों की हड्डियाँ भी पड़ी हुई है। तो दोस्तों इसी वजह से जितने भी यहाँ पर लोकलाइट्स हैं वो बारालाचा पास को दिन में ही क्रॉस करना प्रेफर करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर रात में रुकना या ठहरना खतरे से खाली नहीं है। तो दोस्तों अब आप जो देख रहे हैं वो है बारालाचा का सूरज ताल। ये बहुत ही खूबसूरत लेक है और ये सूरज ताल और दीपक ताल अगर आप चाहें तो आप केलोंग में स्टे करने के बाद यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमारे बस ड्राइवर्स कितने बखूबी पूरे स्ट्रेच में हमारी बस निकाल रहे हैं सेफली और हमें बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं हुआ। साथ में जब दोस्तों यहाँ हिल्स में हम ट्रैवल करते हैं तो जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं चाहे वो जा रहे हो या आ रहे हो तो उन सब में एक यूनाइटी बन जाती है। तो जैसा आप इस शॉर्ट्स में देख रहे हैं कि कैसे एक गाड़ी फंसती है और हम सारे लोग उतर के बस से जो आसपास के ट्रैवलर्स हैं वो आते हैं और हम सपोर्टली उसको पत्थर लगा के या बाकी चीज़ें धक्का दे के उस गाड़ी को निकालते हैं। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव सी फील आती है और काफ़ी अच्छा लगता है इस सब चीज़ों को करके या और देख के भी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप हिल स्टेशन में आएँ और कोई भी किसी को भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में देखें तो आप उतरें, उनकी हेल्प करें या हेल्प करने के लिए पूछें और आपको ये सब करके काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों फाइनली इन सभी स्ट्रेच पासेस, एक्सट्रीम रोड्स, वेदर्स और साथ में इतने सुंदर जो व्यूज़ हैं जो अभी हम देख रहे हैं उन सबको पास करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं लेह लद्दाख के ड्राई एंड डेड माउंटेंस को पीछे छोड़ते हुए आगे हिमाचल के लश ग्रीन माउंटेंस की तरफ। तो गाइस यहां से जो व्यू है उसका पूरा का पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे बीच में रिवर जा रही है और इतना ग्रीन माउंटेंस है। हिमाचल इज़ नोन फॉर इट्स ग्रीनरी एंड इट्स वर्थ विजिटिंग। लाइक अगर आप भी आ रहे हैं तो आप केलोंग भी आके विजिट कर सकते हैं। एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है और काफ़ी पीसफुल जगह है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच रहे हैं जस्ट अटल टनल की तरफ जो कि लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये एक प्रेशराइज टनल है और वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे बने टनल्स में से एक है। तो दोस्तों अभी हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं जो कि चंद्रभागा रिवर के ऊपर बनी हुई है और इसके बाद हम क्रॉस करने वाले हैं दी अटल टनल को जो कि खुद में ही बहुत ही खूबसूरत टनल है और जिस लैंडस्केप पे इस पूरे टनल को बनाया गया है वो भी बहुत ही सुंदर है और बहुत लोग मनाली से बाइक लेके सिर्फ और सिर्फ ये अटल टनल को देखने के लिए आते हैं। सो गाइस इस पूरे टनल की प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ हमने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में गाइस जब हमने अपनी मनाली सीरीज़ करी थी तब भी हमने इस अटल टनल को थ्रू बाइक पास करा था और हम लोगों ने इस सीरीज़ में भी जब हम दिल्ली से लेह की तरफ आ रहे थे तब भी हमने HRTC से इस टनल को देखा था। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत हमारा जर्नी रही है इस पूरे सीरीज़ में और अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और अब हम चल रहे हैं मनाली की तरफ। तो दोस्तों क्योंकि हमारे को मनाली में कुछ लोगों से मिलना था जो कि काफ़ी स्पेशल लोग हैं और हम आपको ज़रूर उनसे भी मिलवाने वाले हैं तो इसी वजह से हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम मनाली से HRTC से अपनी बस जर्नी कंटिन्यू रख के हम वहाँ से प्राइवेट बस को ऑप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो आप केलोंग से डायरेक्टली दिल्ली की भी इसी बस में आगे तक अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारा वर्ल्ड टूर है मनाली में और हम लोग हैं यहाँ पे मेहता भैया एंड उनकी फैमिली के साथ। तो आई गेस आप लोगों को याद होगा हमने बाइक रेंटिंग मनाली बनाया था और उसमें मेहता भैया आए थे
बट अभी मैं मास्क नहीं उतार सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे चालान कट रहा है एंड लिटरली गाइस मनाली मनाली ही लग रहा, ऐसा लग रहा है कि सीपी हो। तो दोस्तों मेहताब भैया का अपने खुद का बाइक रेंटिंग का बिजनेस है मनाली में ही, तो अगर आप भी अपना बाइक रेंट कराना चाहते हैं मनाली से ही तो फिर आप इनको ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं, इनका प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में। तो हम लोगों ने मेहताब भैया एंड फैमिली के साथ डिनर करा और हम जाके अपने प्राइवेट वॉल्वो बस में बैठ गए जो कि हमने मनाली बस स्टैंड से ली। तो दोस्तों ये पूरा लेह लद्दाख का जर्नी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहा और हमारे कहीं ना कहीं जाके गुड मेमोरीज में रजिस्टर हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये हमारा पूरा लेह लद्दाख का सीरीज़ कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए, जहाँ पे हमने आपको लद्दाख का रियल कल्चर के साथ साथ लद्दाख के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी दिखाए। सो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये भी हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ में हम आपसे मिलेंगे एक नई सीरीज में एक नई जगह को एक्सप्लोर करने और दिखाएंगे एक न्यू स्टेट का एक न्यू कल्चर। तो तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, नमस्कार, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।